अपने पूर्वज को अगर याद नहीं करेंगे तो उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। आज का संपूर्ण विकास हो चुका है, नहीं हुआ है। जन सप्ताह 100वां साल का, क्योंकि दो तारीख को फिर वो 101 साल को जाएंगे, तो हम लोग धूमधाम से उनके जन शताब्दी और उनके विचारों को और लोगों तक पहुंचाना, युवाओं तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। जन नमस्कार, मैं फिर से भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, जगदेव प्रसाद की जयंती आरजेडी मना रही है, जो कि 100 वर्ष पूरे होने पे, और इसकी पूरे जोड़ों शोरों से तैयारी कर रही है आरजेडी बापू सभागार में। कल आरजेडी के तरफ से वहाँ जगदेव प्रसाद की जयंती मनाई जाएगी और एक हुजूम को भी दिखाया जाएगा कि देखिए, लौकुश समीकरण भी आरजेडी के साथ है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, इसको तैयारियों के लेकर तमाम बड़े नेता हैं जो आरजेडी कार्यालय पहुँच चुके हैं, वो अपने अपने क्षेत्र से लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनका जायजा ले रहे हैं। आखिर क्या तैयारी हुई, क्या कमियां रह गई, उसको जो कमियां उनको पूरी करने में लग गए हैं, जुटे हुए हैं। इसके साथ ही हमने जब मधु मंजूरी, जो कि प्रदेश महासचिव हैं, उनसे हमने बात की तो क्या कुछ कह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, आइए आपको इस वीडियो में सुना। अभी आप बताइए कि 90% लोग का शोषण हो रहा है कि नहीं रहा, लेकिन आज भी जो गांव में गरीब हैं, गुड़बे हैं, अति पिछड़े हैं, क्या आज का संपूर्ण विकास हो चुका है, नहीं हुआ है। तो संपूर्ण विकास की ज़रूरत है, महिलाओं के भी विकास की ज़रूरत है, जो भी लोग उनके विकास की ज़रूरत है। विकास का तो लड़ाई तो हर समय रहता है, जब से दुनिया बना है जब से लड़ाई है, और लड़ाई हर समय लड़ाई बदलते रहा है, आज भी लड़ाई है, आगे भी लड़ाई होगा। लड़ाई का जो है परिकरण चेंज हो जाता है, लड़ाई का मुद्दा चेंज हो जाता है, लेकिन लड़ाई तो है ही, क्योंकि समाज सुधारक आज से नहीं, पिछले ना जाने कितने 100 साल वर्षों से पीछे से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो समय के हिसाब से सब लड़ाई का परिवर्तन होता रहे। असमान शिक्षा की लड़ाई है, आज रोजगार की लड़ाई है, सब चीज़ की लड़ाई है, तो लड़ाई तो रहेगा ही। लड़ाई कभी नहीं खत्म होने वाला, आगे आने वाले 100 साल में भी लड़ाई नहीं खत्म, क्योंकि समय के हिसाब से लड़ाई में थोड़ा परिवर्तन होता है, लेकिन लड़ाई तो रहती है ना, क्योंकि समाज का सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कुछ गलत ही नहीं कहा, वो तो जगदेव बाबू जी की बात को ही आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और जगदेव बाबू के बात को आगे बढ़ाना कोई गलत है तो ये गलती तो जगदेव बाबू की बात को अगर कोई गलत बोलता है, ये तो दुर्भाग्य है बिहार के लोगों के लिए, जिन्होंने बिहार के लिए अपना बलिदान दिया, बिहार के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, और उनकी बात को आप गलत बोल रहे हैं। उनके बात को, उनके अगुवाई, जो उनके बात को आगे अगुवाई है, जिन लोग आगे बात को बढ़ा रहे हैं, उनको आप गलत बोल रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई दुर्भाग्य की बात हो ही नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बहाने आप लोग राजनीति करने की तो कोशिश नहीं कर रहे, पूरे तमाम जो जिले हैं बिहार के, उनसे मंगा के और आरजेडी की तरफ तो रुख करने की जनता को कोशिश नहीं कर रहे? देखिए, राजनीति करना, अगर हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनको मानते हैं, कोई भी समाज या कोई भी समुदाय या कोई भी पार्टी या कुछ भी है, अगर आप अपने पूर्वज को अगर याद नहीं करेंगे तो उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें जानना होगा, और जिनकी वजह से हम समाज में एक स्थान प्राप्त करते हैं, अपने जीने की जो गरिमा प्राप्त करते हैं, उसको लेकर के उसको याद करना, ये राजनीति नहीं है। और जगदेव बाबू जी के लिए तो पूरा बिहार, आज देखेंगे कि पूरा बिहार में कार्यक्रम हो रहा है, हर पार्टी की तरफ से, और हर लोग, जो लोग शोषित वंचित दलित के लिए काम करना चाहते हैं, जो लोग उसके उत्थान की बात करते हैं, जो वो जरूर जगदेव बाबू का मानते हैं, और इस पर कोई राजनीति नहीं, और राजनीति होनी भी चाहिए, होता भी है अगर, तो अच्छे काउज के लिए होना चाहिए, समाज सुधार के लिए होना, समाज के उत्थान के लिए काम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उससे पहले जो है समारोह मना रहे हैं? नहीं नहीं, अभी उससे पहले, मैंने पहले ही बोला कि ये समारोह जो 100वां साल, अब ऐसा संयोग है कि 100वां साल अभी इस साल है, और पिछले साल हम लोग का बापू सभागार हम लोग बुक कर चुके थे, पेमेंट वेमेंट सब हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से जो है हॉल का जो है वापस कर दिया गया, सरकार ने इसे लॉक कर दिया था, नहीं मतलब कर सकते थे, लेकिन इस साइड से ले लीजिए। जगदेव प्रसाद की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, क्या जगदेव प्रसाद जी का जो विचारधारा था, उस विचारधारा को जन जन में फैलाने की ज़रूरत था, और वो उनको बिहार का लीलन, बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में लोग उनको जो जानते हैं मानते हैं, और बिहार के लिए तो वो
एक सर्वमान नेता रहे हैं और समाज सुधारक रहे हैं, और उन्होंने पिछड़ा अति पिछड़ा 90% लोगों के लिए काम किया है, तो उसके लिए उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। पिछले साल ही हम लोग मनाना चाह रहे थे, लेकिन उस बार जो है कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, तो इस बार अंतिम दिन है जन सप्ताह 100वां साल का, क्योंकि दो तारीख को फिर वो 101 साल को जाएंगे, तो हम लोग धूमधाम से उनके जन शताब्दी और उनके विचारों को और लोगों तक पहुंचाना, युवाओं तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे जन शताब्दी समारोह के जरिए। कितने जिले से लोग आ रहे हैं पटना? सभी जिले से, पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो बिहार के नेता था, सब लोग मानते भी हैं उनको, और जहाँ भी जाने के बाद सब लोग जगदेव बाबूजी के नाम पे खुद आने के लिए, आज देखिएगा कि लोग कटिहार से भी आ चुके हैं, सीमांचल से भी बहुत लोग आ रहे हैं, पूर्णिया, और आपको पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। जगदेव प्रसाद की शताब्दी समारोह आप लोग मना रहे हैं, तो इसके बहाने आप लोग राजनीति करने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं? पूरे तमाम जो जिले हैं बिहार के, उनसे मंगा 1 फरवरी इसलिए हम लोग इस्तेमाल आना, इसका राय उससे क्या, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं, इलेक्शन में भी बहुत टाइम है, 24 में इलेक्शन भी है ना, तो हाँ नहीं बिल्कुल, हम लोग पिछले अब 24 में, अब 100वां साल अभी आया तभी मनाएंगे ना, अब तो 200 साल बाद फिर शताब्दी समारोह होगा। आरजेडी लोगों से वोट को कहीं साधने की तो मैं तो यही बोल रही हूँ ना कि पिछले साल ही हम लोग मनाना चाह रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से जो नहीं हुआ उस वजह से इस बार हम लोग मना रहे हैं और बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। जगदेव प्रसाद जी का खास करके युवाओं को जो है अपने पूर्वजों के बारे में, अपने अपनी जो पूर्वजों ने क्या बलिदान दिया है अपने लोगों के लिए, उसके बारे में बताने की जरूरत है। तो सवाल है कि आलोक कुमार मेहता ने इस तरह से कहा था कि 10% लोग जो है 90% का शोषण कर रहे हैं, क्या लग रहा है अभी भी जो है 10% लोग 90% का शोषण कर रहे हैं? देखिए 10% लोग जो है 90% का जो शोषण कर रहे हैं, वो उन्होंने जगदेव बाबू जी का जो नारा है कि 90% भाग हमारा है, धन बल जो इसमें हमारा जो भागीदारी होनी चाहिए उसको लेकर के, जगदेव उस नारे को लेकर के कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है जगदेव बाबूजी की बात, तो बच्चों जगदेव बाबूजी के विचारधारा को लेकर के जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अब पूरे बिहार में हम इस बात को फैलाना चाहते हैं, जगदेव बाबूजी के विचारधारा को बताना चाहते हैं, तो उनका जो स्लोगन है वो तो कोई भी बोलेगा, हम भी बोलेंगे, जो भी लोग रहेगा मंच पे भी सभी लोग बोलेंगे। क्या लग रहा है अभी भी शोषण हो रहा है क्या? अभी आप बताइए कि 90% लोग का शोषण हो रहा है कि नहीं रहा है, लेकिन आज भी जो गांव में गरीब हैं, गुड़बे हैं, अति पिछड़े हैं, क्या आज का? तो आपने सुना उनका साफ तौर पे कहना था कि आलोक मेहता जो कि बयान दिए हैं, जो कि आरजेडी के मंत्री हैं, कि 10% लोग हैं जो कि 90% लोगों का शोषण करते हैं, उनके जो बयानों का हम समर्थन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सभी जिले से लोग आ रहे हैं, और इसके साथ हमने जब सवाल किया कि कहीं ये आरजेडी लोकस वोट की साधने की तो के लिए शताब्दी समारोह नहीं मना रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि नहीं, ये 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस साल, इसलिए मनाया भी जा रहा है, और इससे पहले भी हम लोग मनाने के लिए सभागार बुक किए थे, लेकिन कोरोना के कारण कार्यक्रम बंद हो गई थी, नहीं हो पाया था। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहें, आप देख रहे हैं भारत लाइव।